मेरे एक मित्र के पिताजी, शिक्षक का जीवन उनका रहा, आखिरी समय वो मरण सैया पर थे कि अब मरे कि अब मरे। मैंने सोचा कि चलो अपने मित्र के पिता है, उनको देखने जाना चाहिए। और मेरी उत्सुकता भी थी उसमें, क्योंकि वो जीवन भर नास्तिक रहे, उन्होंने जीवन भर कभी राम का नाम नहीं लिया, कभी परमात्मा का ध्यान करते या परमात्मा का भजन करते उनको नहीं देखा। तो मेरी उत्सुकता थी, और उत्सुकता ये थी कि मैं देखना चाहता था कि आखिरी समय में ये राम नाम जपते हैं क्या, क्योंकि मौत का समय आ गया है, कभी भी मृत्यु हो सकती है, तो हो सकता है कि अंत में ये राम 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 कह रहे हो। मैं गया उनसे मिलने, उनको हिलाया, मैंने कहा ये आप क्या कर रहे हैं, क्योंकि उनको जा करके मैंने देखा तो वो मरण सैया पर पड़े हैं और अपने ओठों से राम 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 कर रहे हैं। मेरे तो आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। मैंने कहा ये क्या, पूरी जिंदगी आपने कभी राम का नाम नहीं लिया और आप राम का नाम जप रहे हो, पूरी जिंदगी पर पानी क्यों फेर रहे हो, नास्तिकता ही तुम्हारा जीवन था, अब आखिरी में मौत के डर से तुम नास्तिकता को छोड़ रहे हो। उन्होंने कहा कि रहने दो जी, ये नास्तिकता की बात तो अब रहने ही दो। अरे अब मरते वक्त कौन जाने परमात्मा हो ही, अब मरती वक्त ये बात मत उठाओ कि मैं नास्तिक हूं और राम नहीं है, परमात्मा नहीं है, तो मैं उसका नाम क्यों लूं, अब तो राम नाम ले लेने दो। ये राम नाम लेने में परेशानी क्या है, हर्ज क्या है, वैसे ही मैं तो बिस्तर पर पड़ा हूं, अब कोई दूसरा काम है भी नहीं, परमात्मा का नाम ले रहा हूं, अगर होगा तो ठीक, नहीं होगा तो ठीक, नहीं भी हुआ तो मेरा अपना क्या कुछ बिगड़ जाएगा, वैसे भी मैं तो अब बिस्तर पर पड़ा हूं, अब मरने की तो स्थिति है, कम से कम ये कहने की बात तो नहीं रह जाएगी कि देख आखिरी वक्त याद किया था मैंने तुझे, मैं मर के जब जाऊंगा तो ये कहने के लिए रहेगा कि भले पूरे जीवन मैंने तुझे याद ना किया ना किया, कभी तेरे मंदिर नहीं आया, कभी तेरे मूर्ति के सामने मैंने दिया ना जलाया, कोई बात नहीं, लेकिन मरते वक्त मैंने तुझे आखिरी वक्त में याद तो किया था। तो मैंने कहा ये तो आस्तिकता है, तुम तो धार्मिक हो गए, तुम मरते वक्त अब तुम इस गरज से उसका नाम ले रहे हो, ये याद है, ये याद पहुंचेगी। वो कहने लगे क्यों नहीं, उस बुढ़िया का कचरा पहुंच गया तो मेरी ये याद क्यों नहीं पहुंचेगी, ये याद यूं ही घुट घुट कर मर जाएगी, कंठ से बाहर भी नहीं निकल पाएगी, क्योंकि इसमें पंख है ही नहीं, इसमें अब प्राण नहीं है, ये आकाश की यात्रा पर ये हमारी ये याद, ये वेदना, ये पुकार नहीं पहुंच पाएगी। ये आदमी किसको धोखा दे रहा है, और आप सब जान रहे हैं कि ये किसी और को नहीं है, अपने आप को ही धोखा दे रहा है। इस दुनिया में लोग धर्म के नाम पे सब देखा देखी कर रहे हैं, मां बाप मंदिर जाते हैं तो हम भी मंदिर चले जाते हैं, क्योंकि वो हमको बचपन से मंदिर ले गए, आदत बन गई हमारी, और आदत से कहीं धर्म हुआ है, आदत और धर्म, लोग सोचते हैं कि कुछ आदतें अच्छी होती है कुछ आदतें बुरी होती है, लेकिन मैं आपसे कह दूं आदत मात्र बुरी या अच्छी नहीं होती, आदत जो है वो आदत ही होती, आदत का मतलब होता है यंत्र की तरह, अच्छा ही आदत से नहीं होती मेरे भाई बहन, किसी ने गाली दी और तुम आदत की वजह से क्रोधित ना हुए, ये कोई अच्छा ही ना हुई, क्रोध तो भीतर आ ही गया परंतु आदत थी पुरानी, अभ्यास था, समझ गए भीतर ये ख्याल आया कि ये गाली दे रहा है, क्रोध तो आ रहा है लेकिन मुझे पलट के इसको जवाब नहीं देना है, पी गए, दबा लिया अपने कंठ के नीचे, और ऊपर से एक बनावटी मुस्कुराहट हमने जगत के सामने रख दी, बनावटी हंसी हंसते रहे मगर क्रोध तो भीतर था ही, ये हमने प्रकट नहीं होने दिया, ये अलग बात है, इससे क्या फर्क पड़ता है, भीतर तो घटना घट गई, हमारे प्राण तो दूषित हो ही गए, धुआं तो उठ ही गया, आग तो लग ही गई ना भीतर, जहर तो भीतर फैल ही गया, और इतना ही हुआ कि बस वो बाहर ना आया, हमारे भीतर ही रहा, दूसरे व्यक्तियों को थोड़ा लाभ मिल गया लेकिन तुम्हें कोई लाभ नहीं हुआ। आदतें अच्छी जिनको हम कहते हैं सामाजिक व्यवस्थाएं हैं,
उससे समाज के जीवन में थोड़ी सुविधा होती है। जैसे इंजन में तेल डालते हैं ना, तो तेल का कारण इंजन के कल पुर्जे जल्दी नहीं घिसते। बस अच्छी आदत ऐसी ही व्यक्तियों के बीच में तेल को काम करे है, ये जल्दी घिसने नहीं देती, जल्दी झगड़ा खड़ा नहीं होता। आदत बना ली कि जब भी कोई रास्ते पर मिला तो जय राम जी की कर ली, राम राम साहब, नमस्कार साहब, जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। ये तेल है, इससे रास्ता बना रहता है, इससे झगड़ा झांसा ज्यादा खड़ा लफड़ा नहीं होता। हालांकि तुमको इससे मतलब नहीं है कि जय श्री राम से, जय श्री कृष्ण से, ना उन्हें मतलब है जय श्री राम से, जय श्री कृष्ण पे। राम राह पर अगर कोई मिल लिया, पूछ लिया, कहिए कैसे हो, ना तुमको उससे मतलब है, ना उसको तुमसे मतलब है। तुमने पूछा, उसने कह दिया, बस सब ठीक है। कभी कभी अगर कोई ना समझ मिल जाए और तुम उससे पूछ लो कि कैसे हो, और वह रोक कर तुमको सारी कथा बताने लग जाए कि मैं ऐसा हूं, ऐसा हूं, मेरे घर में ऐसा चल रहा है, मेरे जीवन में ऐसा है, तो तुम घबरा जाओगे और तुम कहने लगोगे हमारा, अरे ये मेरा मतलब ये नहीं था। मगर सब अच्छे फंसे, ये तो पूछ कर फंस गया यार। वो बताने लगा अपने जीवन की सारी कहानी, मारी बेरा बीमार है, छोरा छोरी परेशान है, बेटा की नौकरी नहीं लगी रही है, अब तुमसे पूछा है, अब अगर तुमने पूछ लिया है तो बता ही देता हूं। तो कहने का मतलब मेरा ये कि ये बस ये तो बीच का तेल है, इससे ज्यादा और कुछ भी नहीं। आदतें कोई अच्छी नहीं होती, अच्छा आदमी आदतों से मुक्त होता है, वो प्रतिपल जीता है। अच्छा आदमी स्वभाव से जीता है, बुरा आदमी आदत से जीता है। अच्छा आदमी जयराम जी की करता है स्वभाव से, तुम्हें देखकर राम की याद आनी चाहिए, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति उसी की प्रतिमा है। तुम्हें देखकर राम की सुध आ जाए, याद आ जाए, ये तो एक जीवंत तो व्यक्ति के पास से ही हो सकता है। तो मतलब मेरा इतना, धोखा हम किसको दे रहे हैं, धोखा हम अपने आप को दे रहे हैं। जयराम जी की अगर हम किसी से करें, उसको देख करके अगर याद आ जाए उस परम राम की, तो जीवन के मायने हैं। आदत के वश नहीं होना चाहिए। अभी तो हमने आदत को हमारा जीवन बना रखा है। लोग देखो ना, तू माला भी फेर लेते हैं आदत से, दुकान पर बैठे रहते हैं, ग्राहक भी चलाते रहते हैं, नजर भी रख लेते हैं, कोई सामान चोरी तो नहीं कर रहा है, कुत्ता भीतर तो नहीं घुस गया है, मुनीम पैसे में कोई गड़बड़ तो नहीं कर रहा है, तोलने वाला मंडी में माल तोल कर मार रहा है कि नहीं मार रहा है, ये सब चल रहा है, और माला भी चल रही है, और राम नाम का जप भी चल रहा है। ये आदत है, आदत से कोई धार्मिक नहीं होता। माला तो कर में फिरे, जीभ फिरे मुखमाय, मनवा तो चौदिशा फिरे, ये तो सुमरण। ये धोखा हमने खड़ा कर लिया इस दुनिया में। इसलिए दुनिया में दो तरह के लोग हैं, एक ईमानदार नास्तिक है और एक बेईमान नास्तिक। बेईमान नास्तिकों को लोग धार्मिक समझते हैं, आस्तिक तो सच में भी कभी कभार हो सकता है, कभी कोई एकाध लाखों में आस्तिक होता है, बाकी तो सब झूठे आस्तिक।